सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 10th क्लास में स्केल नंबर 31 की कागज पाठ करेंगे। इसकी लेंथ है 102 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 45 सेंटीमीटर और हाइट है 134 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट ज़्यादा है, इसलिए हमने कागज को हाइट की तरफ रखा है। इसमें फुटा यूज होना है वो है 2.15 सेंटीमीटर, तो ये फुटा हम इसमें यूज करेंगे 2.15 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ को हमें जोड़ना है। तो 102 और इसकी ब्रेथ है 45, ये है 147, तो हमने यहाँ से 147 सेंटीमीटर काटना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है 45, तो हमने यहाँ से 2 सेंटीमीटर इसको पीछे लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये हमारा आ गया 100 इसमें काटना है 147 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 147 सेंटीमीटर काटते हैं, तो ये हमारा है 147 और 247, तो ये हमारा तो इस तरह से। और जो हमारी शीट बच गई है इसके हमने बराबर 3 भाग करने हैं, तो यहाँ से हम निम्न को लेंगे और इसके ऊपर हम प्रकार से बराबर 3 निशान अभी हम लगाएंगे इस पे, 1, 2, 3 इस तरह से। और हम इसमें काउंटिंग लिखेंगे 1, 2, 3 और जो लास्ट पॉइंट है इसको हम यहाँ नीचे मिला देंगे 3 को लास्ट पॉइंट के साथ इस तरह से। और इसी के समानांतर हम रख लेंगे 2 से और फिर इस तरह से। और हमने इसको देखना है तो 1, 2 और 3 बिल्कुल बराबर है। तो इसी तरह से हमने यहाँ से एक भाग छोड़ना है और अब हम लेंगे यहाँ पे इसकी लेंथ। लेंथ है इसकी 102 सेंटीमीटर, यहाँ से ये हमारा है 90, 95, 100, हमने 2 सेंटीमीटर और लेना है यहाँ से, ये हमारा है। इसके बाद हम एक भाग और ले लेते हैं, अब हमने लेनी है इसकी ब्रेथ, वो है हमारी 45 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं 45 सेंटीमीटर आ रहा है, एक भाग हमारा बच जाता है। इसी तरह से हमने यहाँ नीचे भी एक भाग छोड़ना है, उसके बाद हमें लेनी है इसकी लेंथ, ये हमारा है 95, 100 और 102 सेंटीमीटर। हम लेंगे एक भाग, अब हमने लेना है ब्रेथ, वो हमारी है 45 सेंटीमीटर इस तरह से। अब एक भाग आपका बच जाएगा और हमें इसको मिलाना है,
हल्की रेखाओं से अभी हम इसको मिलाएंगे। इस तरह से अब हमने इसमें हाइट की तरफ इसको डिवाइड करना है, तो 134 और 45 179 हमने यहाँ से, ये आप देख सकते हैं 80 से 1 हमने यहाँ पे कम करना है, और यहाँ पे भी हमने न्यून कोण बनाना है, और इस पे हमने बराबर 5 में निशान लगा देने हैं। एक दो तीन चार पांच, इस तरह से इसमें हम काउंटिंग लिख देंगे, एक दो तीन चार पांच, और पांच को हमने लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे मिला देना है। तो हमने लेना है इसी के समांतर हम रेखा लेंगे, 4 से 3 2 1, इस तरह से हमने देखना है 1 2 4 बिल्कुल बराबर है, तो हमने दो भाग जितनी प्रकार खोलनी है, और ऊपर से हमने इसको यहाँ पे काटना है। फिर हमने लेनी है इसकी हाइट, और इसकी हाइट है 134 सेंटीमीटर यहाँ से, बीस पच्चीस तीस पैंतीस, पैंतीस से एक कम हम लेंगे यहाँ पे 34, और अब हमने लेना है एक भाग यहाँ से, एक भाग ले लेंगे, और फिर हम लेंगे इसकी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है इसकी 45, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 सेंटीमीटर आ रहा है, दो भाग हमारे बच जाएंगे, वो हमने जितने हमने यहाँ छोड़ के दो भाग ये इतनी प्रकार खोल के हमने यहाँ पे भी निशान लगा देना है इस तरह से। और अब हम लेंगे इसमें हाइट, हाइट है 134, तो यहाँ से 25 30 35 35 से एक हम यहाँ कम कर देंगे 34, हम लेंगे एक भाग जो हमने यहाँ छोड़ रखा है, ये हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम लेंगे इसकी ब्रेथ, ब्रेथ है 45 सेंटीमीटर यहाँ से, 45 सेंटीमीटर अब बची हुई शीट के जो है वे दो भाग हमारे है ऑलरेडी, तो अब हमें इसको मिलाना है। इस तरह से से, और इसको हमने यहाँ पे तिरछा मिलाना है इस तरह से। वो हमने जो फालतू लाइनें हैं वो मिटा देनी है,
जो हमारी लाइट लाइन है इनको डार्क कर देना है, और यहाँ एलिवेशन, साइड प्लान, प्रोजेक्शन और यहाँ पे स्केल कार्ड हम लिख देंगे। यहाँ हम इसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ लिख देंगे। इस तरह से आपने फालतू लाइनें मिटा देनी है, जो लाइनें लाइट है उनको डार्क कर देना, एलिवेशन, साइड प्लान और प्रोजेक्शन इसमें लिख देना है। यहाँ पे इसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ यहाँ पे इसमें स्केल कार्ड इसमें बना देना है। इस तरह से ये आपकी स्केल नंबर है 31। इस तरह आपने इसकी पेपर डिवीजन कर देनी है सफाई के साथ, और आगे स्केल भी इसमें बनानी है। मैं स्केल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आई बटन में भी आपको स्केल दिख जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।